नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देविता पड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आपूर्ति की प्रकृति का निर्धारण एवं शून्य दर आपूर्ति, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई। तो हम बात कर रहे हैं जीरो रेटेड सप्लाई की, शून्य दर आपूर्ति की। इससे संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। बुक में से दूसरा उदाहरण हमने बोर्ड पर लिया है। शून्य दर आपूर्ति से संबंधित ली गई इनपुट कर जमा में से प्रासंगिक अवधि के लिए इनपुट कर जमा वापसी की अधिकतम राशि का परिकलन कीजिए। तो जो आपूर्ति की जाती है, यानी माल या सेवा की आपूर्ति की जाती है, उस आपूर्ति के संबंध में जो भी इनपुट काम में लिया जाता है, उस इनपुट पर चुकाए गए कर की इनपुट कर जमा या इनपुट कर का लाभ लिया जा सकता है। यानी कि माल या सेवा की आपूर्ति पर आउटपुट टैक्स चुकाया जाता है, और जो आउटपुट टैक्स का भुगतान है वो इनपुट टैक्स से किया जा सकता है। इनपुट टैक्स से आउटपुट टैक्स का भुगतान किया जा सकता है, और जो शेष राशि बचती है उसका वो जो है टैक्स पेबल कहलाता है। अगर आउटपुट टैक्स का पूर्णतया भुगतान इनपुट टैक्स से नहीं किया जा सके, तो जो राशि बचती है वो फिर नगद में चुकाना पड़ता है सरकार को। तो सामान्यतः यही होता है कि आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घटाया जाता है, और फिर जो राशि शेष बचती है उसका नगद में सरकार को भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन शून्य दर आपूर्ति, यानी कि ऐसे माल या सेवाओं की ऐसी आपूर्ति जिस पर कर की दर शून्य निर्धारित की गई है, जब माल या सेवाएं या दोनों की आपूर्ति निर्यात के दौरान की जाती है, यानी कि माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात किया जाता है, या फिर माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई को की जाती है, तो ऐसी आपूर्ति पर शून्य की दर कर की दर शून्य निर्धारित की गई है। ऐसी आपूर्ति शून्य दर आपूर्ति कहलाती है। तो ऐसी आपूर्ति के संबंध में जो आउटपुट टैक्स है वो शून्य होता है, लेकिन ऐसी आपूर्ति के संबंध में जो इनपुट काम में लिया गया है, उस इनपुट पर चुकाए गए कर यानी इनपुट टैक्स की जमा अब ऐसी स्थिति में प्राप्त नहीं की जा सकती। इस इनपुट टैक्स का फायदा नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि आउटपुट टैक्स तो शून्य दर आपूर्ति के संबंध में शून्य है, और जो इनपुट टैक्स है वो हमने वो कुछ एक अमाउंट में है। जो इनपुट काम में लिया गया शून्य दर आपूर्ति के संबंध में, उस इनपुट पर कुछ ना कुछ कर चुकाया हुआ था, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में हमारे पास पड़ा है। तो ये जो इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अब इसका फायदा नहीं उठाया जा सकता, अब ये अप्रयुक्त है, अनयूज्ड है। तो माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि ये जो शून्य दर आपूर्ति के संबंध में जो इनपुट कर जमा है, उसकी वापसी यानी कि उसका रिफंड प्राप्त किया जा सकता है। ये काम में नहीं लिया जा सकता, तो सरकार ये इसमें से कुछ भाग रिफंड कर देगी, वापसी कर देगी इस कर की। तो वही कैलकुलेशन हमको इस क्वेश्चन में करनी है कि जो शून्य दर आपूर्ति से संबंधित इनपुट है, उस इनपुट पर जो इनपुट कर जमा है, उस इनपुट कर जमा वापसी की राशि हमको परिकलन करनी है, वो कैलकुलेट करनी है। तो रिफंड अमाउंट जो इनपुट कर जमा की वापसी है, उसकी गणना एक सूत्र के द्वारा की जाती है। रिफंड अमाउंट का फॉर्मूला है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज अपॉन एडजस्टेड टोटल सप्लाई इंक्लूडिंग
जीरो रेटेड सप्लाई बट एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई. जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज. तो माल की शून्य दर आपूर्ति और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति, यानी कि कुल शून्य दर आपूर्ति बटा एडजस्टेड टोटल सप्लाई, समायोजित कुल आपूर्ति. तो कुल आपूर्ति में सभी आपूर्तियां शामिल कर ली जाएंगी, केवल एग्जेम्प्टेड सप्लाई को छोड़कर, कर मुक्त आपूर्ति को छोड़कर, क्योंकि कर मुक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर जमा प्राप्त नहीं की जा सकती. तो टोटल सप्लाई ज्ञात करते समय जीरो रेटेड सप्लाई इसमें शामिल की जाएगी. तो जो जिन पर टैक्स की दर निर्धारित की गई है, जीरो के अलावा अन्य जो कर की दरें हैं जैसे 5, 12, 18, तो वो जो कर योग्य आपूर्तियां हैं, टैक्सेबल सप्लाई है, वो प्लस जीरो रेटेड सप्लाई. लेकिन इसमें कर मुक्त आपूर्तियों को शामिल नहीं किया जा सकता. तो जीरो रेटेड सप्लाई यानी कि जीरो रेटेड जो गुड्स की और सर्विसेज की, माल और सेवाएं दोनों की जो शून्य दर आपूर्ति है, तो शून्य दर आपूर्ति का कुल आपूर्ति से जो अनुपात है, उसी अनुपात में जो शुद्ध इनपुट कर जमा है, जो शुद्ध अनयूज्ड इनपुट कर जमा है, अप्रयुक्त इनपुट कर जमा है, उसमें से जो है उसी अनुपात में रिफंड प्राप्त हो जाएगा, उस इनपुट कर जमा की वापसी प्राप्त होगी. जो कुल शून्य दर आपूर्ति है, इस शून्य दर आपूर्ति का कुल आपूर्ति से जो अनुपात है, उसी अनुपात में जो अप्रयुक्त इनपुट कर जमा है, अनयूज्ड नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसमें से एक अनुपातिक राशि करदाता को वापसी के रूप में, रिफंड के रूप में प्राप्त होगी. तो क्वेश्चन में सूचनाएं दी गई है. पहला दिया गया है बैलेंस ऑफ अनयूज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट्स. तो ये इनपुट्स पर, यानी जो माल काम में लिया गया आपूर्ति के संबंध में, उस इनपुट्स पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ली गई थी, उसमें से अनयूज्ड अमाउंट है 4,50,000 रुपए का. दूसरा है बैलेंस ऑफ अनयूज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट सर्विसेज. तो जो माल के निर्माण के संबंध में जो इनपुट सर्विसेज, इनपुट सेवाएं काम में ली गई, और उन सेवाओं पर जो टैक्स चुकाया गया इनपुट टैक्स, उसकी जो क्रेडिट अभी अनयूज्ड है, अप्रयुक्त है, उसका बैलेंस है 1,10,000 रुपए का. बैलेंस ऑफ अनयूज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स यानी कि पूंजीगत माल, जैसे कि कोई संपत्तियां, मशीन, प्लांट, फर्नीचर आदि जब खरीदा गया, उनके संबंध में जो कर चुकाया गया, उसकी क्रेडिट का जो अनयूज्ड बैलेंस है वो है 6,40,000. तो जो पूंजीगत सामान है, पूंजीगत माल के संबंध में चुकाए गए कर की इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिफंड प्राप्त नहीं की जा सकती शून्य दर आपूर्ति के संबंध में. चौथा है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. तो जब माल का निर्यात किया जाता है तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया जाता है, यानी शून्य दर पर किया जाता है. तो ये जीरो रेटेड सप्लाई गुड्स की है, गुड्स एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. तो जीरो रेटेड सप्लाई है गुड्स की 33,00,000 रुपए की. और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड विद इन इंडिया, जो भारत में जो माल सप्लाई किया गया वो किया गया 57,00,000 रुपए का. पेमेंट रिसीव्ड टुवर्ड्स सर्विसेज सप्लाइड फॉर एक्सपोर्ट. तो सर्विसेज एक्सपोर्ट की गई है. तो जब माल का निर्यात किया जाए या सेवाओं का निर्यात किया जाए, तो ऐसे निर्यात पर कर की दर शून्य निर्धारित की गई है. तो यह भी जीरो रेटेड सप्लाई है. तो ये जीरो रेटेड सप्लाई है गुड्स की, और ये जीरो रेटेड सप्लाई है सर्विसेज की. लेकिन नीचे लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूड्स ₹40,000 एज एडवांस टुवर्ड्स सर्विसेज टू बी सप्लाइड आफ्टर द करंट रिलेवेंट पीरियड. तो जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिफंड ले रहे हैं, ये जो डेटा है, ये जो भी सप्लाई है, जो जीरो रेटेड सप्लाई है या फिर टोटल सप्लाई है या फिर जो ये नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट किसी एक अवधि से संबंधित होगा. अब ये अवधि 1 महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है, 3 महीने की हो सकती है. तो ये जो भी सप्लाई है या फिर ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है,
ये किसी अवधि से संबंधित होगा। तो हमको जो भी सप्लाईज या इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट लेना है वो उस संबंधित रिलेवेंट पीरियड से लेना है। तो क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा है कि इंक्लूड्स रुपीज 40,000 सप्लाई सर्विसेज का सप्लाई किया गया एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि सेवाओं का निर्यात किया गया, और उसके बदले जो पेमेंट प्राप्त हुआ वो हुआ 11,40,000 रुपए का। लेकिन इस 11,40,000 रुपए में 40,000 रुपए एडवांस के रूप में प्राप्त हुए हैं ऐसी सप्लाई के संबंध में, जो सप्लाई जो सर्विस सप्लाई की जाएगी आफ्टर द करंट रिलेवेंट पीरियड, इस संबंधित अवधि के बाद में ऐसी सर्विसेज ऐसी सेवाओं का ऐसी सेवाएं प्रदान की जाएगी, ऐसी सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी। तो संबंधित अवधि के बाद में सेवाएं प्रदान की जाएगी, तो हमको केवल जो डेटा है वो संबंधित अवधि का लेना है। तो सेवाएं संबंधित अवधि के बाद में दी जाएगी, और उन सेवाओं के संबंध में अगर कोई एडवांस प्राप्त हुआ है तो उसको हमको यहां पर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज में शामिल नहीं करना। तो जब हम सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति की राशि ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि संबंधित अवधि में सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति प्लस संबंधित अवधि में सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के संबंध में प्राप्त अग्रिम, यानी कि संबंधित अवधि में सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति प्लस संबंधित अवधि में सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के संबंध में प्राप्त अग्रिम माइनस संबंधित अवधि के बाद सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के संबंध में प्राप्त अग्रिम। तो संबंधित अवधि में सेवाओं की जो शून्य दर आपूर्ति की गई है वो शामिल करेंगे सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति की गणना करते समय, प्लस उसमें ऐड करेंगे संबंधित अवधि में सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के संबंध में अगर कोई अग्रिम प्राप्त हुआ था, अगर सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में कोई अग्रिम प्राप्त हो गया था और उस अग्रिम के बदले सेवाओं की आपूर्ति संबंधित अवधि में कर दी गई थी तो उस अग्रिम को हम शामिल कर लेंगे। यानी संबंधित अवधि में आपूर्ति की गई सेवाओं के संबंध में अगर कोई एडवांस प्राप्त हुआ है, अग्रिम प्राप्त हुआ है, तो उसको भी सेवाओं की आपूर्ति के मूल्य में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन संबंधित अवधि के बाद सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के संबंध में अगर कोई अग्रिम प्राप्त होता है, यहां अग्रिम प्राप्त हुआ है संबंधित अवधि में 40,000 रुपए का एज एडवांस टुवर्ड सप्लाई सर्विसेज टू बी सप्लाइड आफ्टर द करंट रिलेवेंट पीरियड, यानी संबंधित अवधि के बाद में ऐसी सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी ना कि संबंधित अवधि में। इसलिए जब सेवाओं की आपूर्ति संबंधित अवधि के बाद की जाएगी तो उन सेवाओं के संबंध में जो अग्रिम प्राप्त हुआ है उसको हम शून्य दर आपूर्ति की गणना में शामिल नहीं करते, उसको घटा देते हैं। तो संबंधित अवधि के बाद सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के संबंध में प्राप्त अग्रिम को माइनस किया जाता है। तो अगर ऐसा एडवांस शामिल किया गया है शून्य दर आपूर्ति की गणना में तो उस एडवांस को हम घटा देते हैं जो एडवांस
संबंधित अवधि के बाद आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं के संबंध में प्राप्त हुआ है। तो 11,40,000 रुपए प्राप्त हुआ है शून्य दर आपूर्ति के संबंध में, शून्य दर सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के संबंध में, जिसमें से 40,000 रुपए अग्रिम प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो सेवाएं संबंधित अवधि के बाद में आपूर्ति की जाएंगी। तो 11,40,000 में से 40,00,000 हम घटा देंगे और संबंधित अवधि में सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति का मूल्य होगा 11,00,000 रुपए, यानी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी 11,00,000 रुपए की, ना कि 11,40,000 रुपए की। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज सप्लाइड विद इन इंडिया, और भारत में जो अन्य जो सेवाएं प्रदान की गई उनका मूल्य है 11,00,000 रुपए। तो इन सूचनाओं के आधार पर हम जो है रिफंड अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है 33,00,000 रुपए का। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यानी जीरो रेट पर माल निर्यात किया गया, तो ऐसे माल की सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई कहलाती है। तो 33,00,000 रुपए जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। और पेमेंट रिसीव टुवर्ड सर्विसेज सप्लाइड फॉर एक्सपोर्ट, तो ये भी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है 11,40,000 रुपए का, लेकिन 40,000 रुपए एडवांस प्राप्त हुआ है ऐसे सप्लाई के संबंध में जो प्रदान की जाएगी आफ्टर करंट रिलेवेंट पीरियड यानी संबंधित अवधि के बाद। तो इस 40,000 रुपए को शामिल नहीं किया जाएगा, इसको हम घटा देंगे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज की कैलकुलेशन करते समय। तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी 11,00,000 रुपए की बटा एडजस्टेड टोटल सप्लाई। अब टोटल सप्लाई में जो भारत में जो सप्लाई की गई है, जो टैक्सेबल सप्लाई है वो, और जीरो रेटेड सप्लाई, उन दोनों को शामिल किया जाएगा, लेकिन जो करमुक्त आपूर्ति है एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसको शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें हम शामिल करेंगे एक तो 33,00,000 रुपए जो जीरो रेटेड सप्लाई है ऑफ गुड्स है, प्लस 11,00,000 रुपए जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज 11,00,000 रुपए, प्लस टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड विद इन इंडिया, जो भारत में जो करयोग्य माल की आपूर्ति की गई 57,00,000 रुपए की, और 11,00,000 रुपए की जो करयोग्य सेवाओं की आपूर्ति की गई भारत में, वो भी हम शामिल करेंगे। तो एडजस्टेड टोटल सप्लाई होगी जीरो रेटेड सप्लाई प्लस इनके अलावा जो अलग जो टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन इंडिया और टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद इन इंडिया, इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल आ रहा है 33,00,000 और 11,00,000 44,00,000 बटे 44,00,000 बटे 33,00,000 और 11,00,000 44,00,000 प्लस 57,00,000 प्लस 11,00,000 1,12,00,000 इंटू, तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है 44,00,000 रुपए की और एडजस्टेड टोटल सप्लाई है 1,12,00,000 रुपए की इंटू नेट आईटीसी। तो जो कैपिटल गुड्स के संबंध में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है अनयूज्ड है उसकी वापसी नहीं मिलती, लेकिन जो माल और सेवाओं के संबंध में जो अनयूज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें से जो है कर की वापसी प्राप्त की जाती है। तो 4,50,000 और 1,10,000 तो नेट आईटीसी है 4,50,000 प्लस 1,10,000 या इसको कहें 4,50,000 प्लस 1,10,000 5,60,000। तो अनयूज्ड इनपुट कर जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जो नेट आईटीसी है वो है 5,60,000 की। तो इस 5,60,000 में से कुछ अमाउंट जो है रिफंड किया जाएगा, वापस किया जाएगा। कितना किया जाएगा? तो इसमें से एक आनुपातिक राशि रिफंड की जाएगी, और किस अनुपात में? उस अनुपात में जिस अनुपात में जो जीरो रेटेड सप्लाई का एडजस्टेड टोटल सप्लाई से जो अनुपात है, यानी शून्य दर आपूर्ति का जो कुल आपूर्ति से जो अनुपात है उसी अनुपात में 5,60,000 में से एक आनुपातिक राशि
रिफंड की जाएगी। तो इसको हल करें तो 44 लाख बटा 1 करोड़ 12 लाख इंटू 5,60,000, तो ये आ रहा है 2,19,999.99, यानी कि 2,20,000 रुपए। तो 5,60,000 में से 2,20,000 रुपए कर की वापसी दी जाएगी इस करदाता को। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।